जिनको भी अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में उपवास बहुत जबरदस्त काम करता है। जब भूख को खाना नहीं मिलता ना, तो आरए फैक्टर को, सीआरपी को, एएनए, एवीएन, एचएलबी 27 को, ईएसआर को, यूरिक एसिड को, जितने भी पेन मार्कर्स हैं ना, इनको खा जाती है भूख। भूख के दो काम है, एक तो भूख का काम है, अच्छे से आपको जो भूख लगती है तो खाने को हजम करना, और दूसरा काम जब खाना नहीं मिलता तो रोगों को, बीमारी को, विकारों को खाती है। इसलिए अध्यात्म में उपवास और उपासना का बड़ा महत्व है। उपवास से पूरा तन शुद्ध हो जाता है और उपासना से मन शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध होता है वो बुद्ध होता है। भगवान तो सदा हाजिर नाजिर है, वो दूर है ही नहीं, वो तो सदा प्राप्त है। हम भगवान में पूरी तरह से एकात्म हो जाते। खैर, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। जिनको भी अर्थराइटिस है उनको भी 3 से 5 दिन का उपवास, और यही पिलाते हैं पानी जो अभी बताया, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, मोरिंगा। और 3 से 5 दिन के बाद फिर ऊंटनी का दूध। ये ऊंटनी का दूध ना बड़ा जबरदस्त है। ये ऊंटनी का दूध, इसमें नेचुरल इंसुलिन होता है और ये पेन क्रियाज को एक्टिवेट करता है, और ये अंदर की हड्डियों के डिफॉर्मेशन को बचाता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, बहुत तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं। इसलिए अर्थराइटिस वालों के लिए दर्द तो आपका पहले ही दिन से दूर हो जाएगा। किससे दर्द दूर हो जाएगा? पीडानील गोल्ड से, ऑर्थोग्रिड से, बहुत चीजें देते हैं हम आपको दर्द दूर करने। दर्द तो हम यहाँ पहले ही दिन से दूर कर देंगे आपका। किससे? श्रृंगी चिकित्सा करा करके, वात मोक्षण करा करके, रक्त मोक्षण करा करके, अकुप्रेशर, एक्यूपंचर करा करके, या फिजियोथेरापी भी, यौगिक फिजियो है यहाँ, यौगिक फिजियोथेरापी करा करके, या दर्द दूर कर देते हैं आपके उपवास करा करके। दर्द तो बहुत जल्दी, अंदर से जो शरीर में टूट फूट होती है ना, कार्टिलेज घिस जाते हैं, हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं, ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत तरह से टूट फूट होती है। तो डायबिटीज में जो अंदर शरीर में टूट फूट होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और अर्थराइटिस में जो अंदर से शरीर में टूट फूट होती है वो ये खा लो। और न्यूट्रिला ऑर्थो केयर, मैं तो कहता हूं थोड़े दिन खाना बंद करो। न्यूट्रिला ऑर्थो केयर डायबिटीज वाले, और डायबिटीज केयर डायबिटीज वाले खा लो। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में सबके डायबिटीज को 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर करने की और अर्थराइटिस के क्योर करने की स्वामी रामदेव गारंटी लेता है। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। अब इतना कहने के बावजूद भी तुम पूरा ना करो, ये हमारा खून चूसने में लग जाता है सुबह सुबह। हालूराम बहुत जोरदार बूढ़ा है, और बूढ़ा नहीं हुआ अभी भी, 70 के आसपास पहुंच गया है, इतनी जोर से सींगी खींचता है। एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए भी, ये बहुत जबरदस्त कला है, ये स्किल है, ये बहुत जोरदार काम है ये। ये श्रृंगी चिकित्सा अर्थराइटिस के लिए, जिनके शरीर में गांठें होती है ना, कहीं दाद चमला होता है, शरीर काला पीला ऐसे पड़ जाता है, उसको भी ठीक कर देते हैं। कहीं गांठ होती है, बेनाइन गांठ, मेलिग्रेंट ट्यूमर पर नहीं लगाते, वो गांठ को ये लगा देते हैं, और अंदर से फिर वृद्धि बाधिका वटी काचना और गुगुल काचना और घनवटी सिस्टोग्रिट खिला देते, गोदन अर्क पिला देते, गांठ भूल जाती है 2 महीने में। कहीं पर भी दर्द हो, कहीं का भी दर्द, पसली का दर्द, हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, लोग इधर उधर जाम पड़े हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो गए। अब ये टेढ़े मेढ़े क्या है? डिफॉर्मेशन है। तो ये ऊँटनी का दूध पियो, ये 1 साल तक खराब नहीं होता। खाली 2 चम्मच चाहिए, 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को, बस इतना ही बोलता है। और कोई बहुत ही भूखड़ हो, किसी को अतिशय भूख लगती हो, तो 3 बार ले लो।
आर्थराइटिस वालों को तो दूध ही पीना है, डायबिटीज वाले इसका दही छाछ बना करके भी ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, खाली पानी निकाल दिया है, सेम 100% बकरी का दूध है और एक साल तक खराब नहीं होता, घर ले जाने के लिए आपको यहां से पैकिंग करके देते हैं। सेल्फ लाइफ इसकी 1 साल है, कितने दिन लिखी है भाई तुमने, 1 ही साल लिखी है, अक्टूबर 2022 से लेकर के और 23 तक है। ये घर ले जाना, तो ये आर्थराइटिस, बहुत लोग आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, मतलब वात का, मतलब इसमें बहुत कुछ है। अब ये तो एक तरह का मैंने दर्दों वाला ही बताया।